subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications. नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत। चुनावी परिक्रमा आ पहुंची है जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र श्योरण के यहाँ। आज जितेंद्र श्योरण जी के साथ हम भी उनकी जन प्रचार यात्रा में शामिल होंगे और तमाम लोगों का समर्थन, तमाम नुक्कड़ सभाओं को अपने कैमरों की नजरों से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, इस बार के विधानसभा चुनाव में हिसार में किस तरीके का इतिहास वो लिखने वाले हैं, उनसे पहली सुबह की शुरुआत की बात करेंगे। मेरे साथ इस समय आप देख सकते हैं कि जितेंद्र श्योरण अपने पूरे काफिले के साथ तैयारी में है कि आज के जन प्रचार में कैसे जुड़ा जाए, कहां कहां इनका जन प्रचार होगा, नुक्कड़ सभाएं होंगी, तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा करेंगे इनके साथ। श्योरण साहब, आज की सुबह की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जननायक जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, किस तरीके से जन समर्थन आपको मिल रहा है, हिसार के किस किस इलाकों में आपने नुक्कड़ सभाएं की? कहां? तकरीबन शहर के सभी हिस्सों में हमारी नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर हमने काफी हद तक पूरा कर लिया है। आज हमारा तूफानी दौरा रहेगा पूरे शहर का, जिसमें कम से कम 8-10 नुक्कड़ सभाएं होंगी और 4-5 एरिया डोर टू डोर भी हम करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच गए, क्योंकि यहाँ के मैंने भी आपके साथ कवर किया, काफी इलाके देखे जहाँ मौजूदा विधायक के खिलाफ काफी खिलाफत सी देखने को मिली, क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूरा शहर समस्याओं से ग्रस्त है। अगर जहाँ मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, अगर यहाँ से लें, यहाँ से समस्या शुरू होती है एनहांसमेंट की, उसके बाद सीवर की, पानी की, बिजली की, और संपूर्ण शहर का जो विकास था, हमारा पशुओं की बात करें, आज बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हुए हैं। मैं हिसार की जनता को बताना चाहता हूं कि उन होर्डिंग के एक बार पढ़ें, जो कमल गुप्ता जी विधायक हैं उन्होंने लगाए हुए हैं कि आवारा पशु मुक्त हिसार। तो उनको मैं कहना चाहूँगा, शहरवासियों को, कि जहाँ पर भी गायें भारी संख्या में हैं पूरे शहर में, उनकी फोटो खींचे और गुप्ता जी को भेजने का काम करें और उन्हें दिखाएं कि ये देखिए आवारा पशु मुक्त हिसार। आइए कैमरे की नजर से इनके चुनाव प्रचार को आप भी जरा तफसील से देखिएगा। फ्रेम दर फ्रेम, कदम दर कदम हम इनके साथ रहने की कोशिश करेंगे। पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र श्योरण के साथ, नमस्कार। श्योरण साहब, सबसे पहला जो मुझे लगा, आपने पहले कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है किसी तरीके का, तो कोई दिक्कत इस बाबत, अनुभव की बात करूं मैं, एक्सपीरियंसेस की बात करूं, पहला चुनाव आपका? चुनाव पहला हो या दूसरा तीसरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो देवीलाल जी का आशीर्वाद। आप सक्रिय राजनीति में पहले नहीं रहे, हालांकि आपके परिवार के आपके फादर रहे हैं, लेकिन आप कहीं सक्रिय राजनीति में नजर नहीं। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि जननायक देवीलाल जी ने आम आदमी की उंगली पकड़कर ऊपर उठाने का हमेशा काम किया है, और हरियाणा ही नहीं पूरे भारत देश में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्होंने देवीलाल जी को धरातल से उठाकर आसमान तक पहुँचाने का काम किया है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने एक मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को अपनी उंगली पकड़कर ऊपर उठाने का काम किया है, और शहर के जनता का सहयोग पूरा मिल रहा है। तो तमाम तरह का चुनाव प्रचार लगभग आपका, मुझे लगता है कि आखिरी पड़ाव पे होगा, तो लोगों के बीच जाने के बाद लोगों में किस तरीके की जन समस्याओं से रूबरू होना पड़ा? लोग पिछले 5 सालों के कार्यकाल में कितना खुश थे, कितनी नाराजगी थी? नाराजगी की तो आप बात पूछिए मत, पूरे शहर में एक भी सिंगल शहरवासी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने जो वर्तमान सरकार है उसका गुणगान किया हो। हर जगह समस्याओं से ग्रस्त हैं, आवारा पशु हैं, पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जिनके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही कोई चिकित्सा के ऊपर कोई ध्यान दिया गया, ना ही कोई शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान, ना रोजगार के ऊपर। हालांकि संपूर्ण विकास की बात करते नजर आ रही है सरकार, तो संपूर्ण विकास सिर्फ कागजों में और अखबारों में, उसे आगे कुछ विकास हुआ ही नहीं। आप देख सकते हैं शहर के हालात क्या हैं। एयरपोर्ट की बात करते हैं, एयरपोर्ट का निर्माण किया, लंबे अरसे से लंबित था ये, उसका निर्माण, वो विकास का मुद्दा नहीं। एयरपोर्ट कहाँ, जैसे हालात थी बंसीलाल जी के सरकार के समय वही हालात आज, कहाँ हवाई जहाज तो उड़ी नहीं,
हुडी है लेकिन वो सिर्फ अखबारों में, सुर्खियों में सिर्फ। दुष्यंत चौटाला पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रहे हैं, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो रैलीज या सभाओं के माध्यम से अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने की बात कर रहे हैं। जितेंद्र शोरान के लिए हिसार जैसे बड़े इलाके में आखिर दुष्यंत चौटाला के दर्शन क्यों नहीं? सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी, दुष्यंत चौटाला जी हमारे स्टार प्रचारक और पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने कल हिसार रात को हिसार पहुंचे और उन्होंने मुझे बुला करके उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो की हिसार की जनता के लिए और हिसार के हर शहरी को कहा कि आप अपने आप को दुष्यंत चौटाला समझें और एकजुट होकर के कार्य करें, और वह शहर की जनता अपने आप को दुष्यंत चौटाला और जितेंद्र शोरान मानव समझकर अपना कार्य बखूबी कर रही है। और जहां तक उनके हिसार आने की या ना आने की बात है, हिसार से उनका बेहद लगाव रहा है, उन्हें पता है कि शहर की जनता दुष्यंत चौटाला जी को कितना पसंद करती है। पीछे के चुनाव में मुद्दा कुछ और था, एकमात्र इकलौते सांसद हैं जो पूरी दुनिया के, भारतीय नहीं पूरी दुनिया के, 15 दिन से हम लगातार डोर टू डोर या जनसभा कर रहे हैं, एक भी इंसान ने हमें आज तक यह नहीं कहा कि भाई दुष्यंत चौटाला जी में कोई कमी है। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबियां ही खूबियां लोगों में दिखाई दे रही है कि भाई, और लोग इसी बात को पसंद करें कि उन्होंने अपने जैसे ही किसी युवा साथी को जो पहले से हमारे बीच संघर्ष करता आ रहा है आम जन की समस्याओं को लेकर, उनको उनके बीच में उतारा है, तो शहर की जनता बड़ी खुश है। किन मुद्दों को लेकर आप हिसार के लोगों को क्या आश्वासन, विकासात्मक गतिविधियों का आश्वासन, क्या विकास करवाना चाहेंगे, किस नजरिए से आने वाले समय में आप देखते हैं कि अगर आप MLA बनते हैं तो हिसार का कमोबेश विकास करें? मेरा सबसे बड़ा जो मेरा मुद्दा है शहरवासियों के लिए, मैं जहाँ जो भी नुक्कड़ सभा होती है जहाँ जाते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं किसी नेता की तरह झूठे वादों और इरादे में यकीन नहीं करता, इरादे अच्छे होने चाहिए। शहरवासियों के लिए मेरी एक ही सबसे बड़ी मुद्दा मैं उनके आगे मेरा रखना चाहूँगा, किसी भी शहरवासी को कोई भी समस्या होगी उसका निदान करना और उनके बीच में पहुंचकर उसका हर हाल में समाधान करवाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, चाहे वह समस्या छोटी हो या बड़ी हो। बाकी जहां तक रोजगार की बात है, शिक्षा को लेकर के बात है, शहर के विकास की जो भी बात है, उन सबसे ले जैसे एरिया की जो भी समस्या होगी, सबसे पहले उनको प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। और आवारा पशुओं का जो शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको हमारी संघर्ष समिति की बदौलत शहर में शुरू भी किया गया प्रशासन ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकी फोटो सेशन की भेंट चढ़ा, सबसे पहले उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और जो शहर की पार्किंग की समस्या है, इस सरकार से आज तक एक मल्टी स्टोरी पार्किंग का इन्होंने लगातार 5 साल से दो महीने में अखबार में खबर है मल्टी पार्किंग का काम शुरू, लेकिन धरातल पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह की जो शहर की आमजन की समस्याएं हैं, वो मुझे ही नहीं बल्कि कभी तो हर शहरवासी को पता है कि हमारे शहर में ये समस्या है, उन समस्याओं का निदान सबसे पहले प्राथमिकता होगा। और मेरा हिसार की जनता से एक ही मेरा वादा है कि चाहे कोई भी समस्या हो, छोटी हो या बड़ी, एक बार अपने छोटे भाई और बेटे को फोन करके संदेश देने का काम करें, मैं उसी वक्त उनके बीच में पहुंचकर उस समस्या का समाधान हर हाल में करूंगा। आज किस चुनावी यात्रा में सबसे पहले हमारा पहला पड़ाव था हिसार का मोहल्ला सैनियान, जहां घर घर जाकर जजपा प्रत्याशी ने लोगों से जजपा व खुद के लिए वोटों की अपील की। डोर टू डोर इस कैंपेनिंग में जजपा प्रत्याशी अपने पूरे कार्यकर्ताओं के काफिलों के साथ जन प्रचार व चुनाव प्रचार करते नजर आए। इस पड़ाव के बाद अगला पड़ाव था हिसार के विजयनगर व इसके आसपास का क्षेत्र, यहां भी जजपा प्रत्याशी अपने कार्यकर्ताओं की टीम के साथ डोर टू डोर लोगों के बीच चौधरी देवीलाल की नीतियों को व दुष्यंत चौटाला की जनहितैषी नीतियों को लेकर उनका प्रचार प्रसार करते व इसी बाबत वोट मांगते नजर आए। इन इलाकों की यात्रा के दौरान एक बात उभर कर सामने आई कि लोगों में इस यात्रा के दौरान हमें चंद ऐसे जनता के बीच से चंद ऐसे नुमाइंदे भी मिले जिनके दिल में मौजूदा विधायक के प्रति कितना प्यार है, कितना लगाव और कितना स्नेह, जरा आप भी सुनिएगा। लेकिन ज्यादा वो हमारे जो विधायक जी थे वो मिले नहीं, बस लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में नहीं गए जो वर्तमान विधायक थे। हमारे जो विधायक थे कमल गुप्ता जी, 5 साल में पहली बार मौका मिला जी रात को मिलने का, मगर सरकार ने वो भी छीन लिया। उन्हें टंडी डेरे उठा के ले गए, पता नहीं जी क्यों ले गए। 5 साल में एक बार भी हमारे मोहल्ले में एक बार भी आया नहीं जी, एक बार भी। जितेंद्र शिवराम के साथ हमारी जन प्रचार यात्रा का यह पहला पड़ाव है, मोहल्ला सैनियान में है हम इस समय। इस पार्क में वो लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं, चौधरी देवीलाल की नीतियों का उल्लेख लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जिन नीतियों को लेके दुष्यंत चौटाला भी उन नीतियों के माध्यम से आज
कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव प्रचार के बंद होने की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार में प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने अपने अंदाज में पूरी ताकत लगा दी है। 21 अक्टूबर को लोकतंत्र के इस महोत्सव का आगाज होगा, यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 24 अक्टूबर को आखिरकार किसकी होगी दिवाली धूमधाम वाली और किसकी होगी फीकी दिवाली, ये तो 24 अक्टूबर का जनादेश तय करेगा। इस विशेष रिपोर्ट के लिए मैं आपके साथ कैमरन धमीजा। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.